सीआईडी में बहनों की तरह रहने वाली श्रेया और पूर्वी के बीच आ चुका है कोई तीसरा। किसी तीसरे ने इन दोनों के बीच गलतफहमी पैदा कर दी है और श्रेया ने गुस्से में आकर पूर्वी को मार दिया है एक थप्पड़। तो दोस्तों, क्या पूर्वी इस चीज़ से नाराज़ हो जाएंगी श्रेया से? क्या वो श्रेया से बदला लेंगी? आखिर श्रेया ने पूर्वी को थप्पड़ क्यों मारा? ऐसा कौन सा तीसरा इन दोनों के बीच आ चुका है? सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो फटाफट से इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में पूर्वी या फिर श्रेया लिखकर इस वीडियो को सपोर्ट करिए और अपना प्यार दिखाइए। तो दोस्तों, पूर्वी और श्रेया के बीच जो झगड़ा है वो हमें सीजन 2 में देखने को मिल सकता है और ये खास एपिसोड में श्रेया जो है वो एक खतरनाक वायरस के चपेट में आ चुकी है और इस वायरस के चपेट में आने की वजह से श्रेया जो है वो अपनी होशो हवास खो बैठी है। श्रेया का दिमाग किसी और के कंट्रोल में है और जो श्रेया के दिमाग को कंट्रोल कर रहा है उसका ये मकसद है कि वो सीआईडी के बीच गलतफहमी की दीवार पैदा करके सीआईडी को एक दूसरे के साथ लड़वाने की कोशिश करे। तो दोस्तों, श्रेया जो है वो अब क्या करेगी? क्या वो खुद को इस वायरस के चपेट से निकाल पाएगी? आखिर कौन ऐसा है जो कि श्रेया को इस वायरस के चपेट में निकलने से मदद करेगा? डॉक्टर सालूंक है या फिर डॉक्टर तारिका या फिर पूरी सीआईडी की टीम? सब कुछ हमें पता चलेगा सीजन 2 के इस धमाकेदार एपिसोड में।